गुड मॉर्निंग बच्चवा। चलो हम शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे सेल कहते हैं, उसका पार्ट टू, जो कि क्लास नाइन का एक टॉपिक है। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में जो जेनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी सेल का, वो तीन ढंग का था। एक था सेल मेंबर और सेल वॉल, दोनों अलग-अलग है, जिसके बारे में पढ़ाई की थी। और दूसरा न्यूक्लियस, जिसके बारे में भी पढ़ाई की थी। आज जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में हम जानने और समझने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म, जो कि मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ऑफ सेल हमने कहा इसको। तुम पहले इस पिक्चर को देखो, जो एक एनिमल सेल है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तुमको ऑर्गेनल्स दिखेंगे। ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है, जिसे सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। अब तुम ये सोचते होगे कि भाई सर, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ऑफ सेल क्यों कह रहे हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा सेल है, या हर ऑर्गेनिज्म का सेल है, वह एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ही काम करती है। उस ऑर्गेनिज्म का जो रिक्वायरमेंट है उसके लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, वो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर होता है। तो हम एक हल्का कंपेयर करते हैं। अगर तुम देखे होगे कोई प्लांट, तो उसके अंदर एक बाहर से बाउंड्री वॉल होता है, और दो चार पांच गेट उसके आवश्यकता अनुसार होते हैं, और वहां सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो सिलेक्टिव पर्सन को इन एंड आउट करते हैं, जो उसके सिक्योरिटी के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है। और हमारा सेल के बाहर वही बाउंड्री वॉल के जैसा एक सेल मेम्ब्रेन होता है, और एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल के ऊपर एक दूसरा कवरिंग, जो सेल वॉल कहते, वो भी होता है। अब रही बात कि उस कंपनी को चलाने के लिए एक अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को देखती रहती है। इसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस, जो कि पूरा सेल प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करती रहती है, और पूरा इंफॉर्मेशन उसके बारे में रखती है। अब जैसे प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, और वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है जाते हैं स्टोरेज के लिए, जहां उनका पैकेजिंग होता है, कटछट होता है, और वहां से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, राइट। अब जब मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो बहुत सारे वेस्ट का डिस्पोजल होगा, तो उसके अंदर एक यूनिट होगा, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट, जो प्रॉपर से तरीके से वेस्ट को बाहर ले जाकर डिस्पोज ऑफ करती रहेगी। अब प्लांट को चलाने के लिए सबसे आवश्यक होता वह है पावर की, तो पावर बहुत आवश्यक है। तो हमारे सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है, वो साइटोप्लाज्म, जिसे मैंने कहा है, उसके अंदर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मेन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसका दो पार्ट होता है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो तुम देख सकते हो, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब जब चीजें मैन्युफैक्चर हो गई, तो हो जाएगी ये स्टोरेज के लिए, पैकेजिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस। इसके बाद जो वेस्ट का डिस्पोजल होगा वो हमारा देखता है लाइसोसोम। इसके बाद पावर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये तो हो गए ऑर्गेनल्स हमारे एनिमल सेल के। लेकिन जो प्लांट सेल, जो कि ऑटोट्रॉफ्स है, वो अपना भोजन खुद बनाती है, उनको तो और चीज चाहिए होगा, जो कि ऑटोट्रॉप्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत आवश्यक होता है। तो प्लांट के अंदर एक प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनल्स है जो कि क्लोरोफिल देती है प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए। दूसरा, जब फूड बनाएंगे प्लांट, तो उनको स्टोरेज चाहिए होगा, रॉ मटेरियल जो फूड का चाहिए उसके लिए, और जब फूड बनेगा तो उसके लिए व्हीकल्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गेनल्स है एनिमल्स एंड प्लांट का, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अब दूसरा एक डिस्कशन करेंगे, जिसको हम न्यूक्लियस में भी बात किए, कि यूकैरियोट सेल जो होते हैं,
उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, सॉरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे यूकेरियोटिक सेल के अंदर। और एक चीज और जानो कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोजोम्स होंगे, वेयर एज प्रोकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है पार्ट वन में, उसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता, यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। उसी ढंग से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनल्स के चारों तरफ से कवरिंग नहीं रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें सिंगल क्रोमोजोम्स होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है इतना आवश्यक क्यों हो जाता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, इंटेलिजेंट फंक्शनिंग के लिए और मैच्योरिटी के लिए? नहीं है तो क्या होगा? अब एक वायरस देख लो, इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक है, ये वायरस अपने आप प्रोकैरियोटिक सेल ही है। तो इसके ऑर्गेनल्स के ऊपर भी कवरिंग नहीं होंगे, यानी कि ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन नहीं होंगे, ऑफ कोर्स सेल मेम्ब्रेन तो रहेंगे, तो इनका फंक्शन बहुत ही डल हो जाएगा। ये हाफ लाइफ एंड हाफ डेड टाइप के एनिमल है जो तब अपना लाइफ प्रोसेस को शुरू करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके, उसके सेल मैकेनिज्म को यूज करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए। तो अब आप आगे देखेंगे जो ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल के अंदर उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो अभी बात करने वाले हैं जो पहला सेल ऑर्गेनल्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। यह सेल के अंदर हाफ कट ट्यूब की तरह, नहीं तो सीट की तरह दिखता है, और इसकी एक साइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरे साइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिबोसोम से कार होता है जो इसके सरफेस के ऊपर चिपका रहता है, और यह जो है प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दूसरा जो स्मूथ है, तुम समझ सकते हो फैट स्मूथ ही होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो फैट यानी लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली हमारा बॉडी बिल्डिंग के लिए, और ये दोनों हेल्प करते हैं हमारा बॉडी को बनाने के लिए, जिसको हम बायोजेनेसिस या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। दोनों हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, और पूरे बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन बहुत सारे हैं, तो इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, राइट। अब इसके बाद लिपिड का, दोनों का, प्रोटीन एंड लिपिड्स का फंक्शन होता है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को बनाना, जैसा कि मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस है, वेयर एज हार्मोन्स दूसरे ढंग का कार्य करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे भी। अब ये जो है जो बनता है प्रोटीन ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक चैनल है जो कि सेल के अंदर जहां भी आवश्यकता न्यूक्लियस को है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को है या सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनल्स को है उसको पहुंचाने का भी एक काम करती है। इसके बाद यह जो है एक सरफेस प्रोवाइड करती है कि भाई अगर बायोकेमिकल एक्टिविटीज को होना है जो हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए एक साइट या सरफेस भी प्रोवाइड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखो ये लीवर सेल जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, हमें वर्टिब्रेट्स एनिमल है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, वो है डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजंस एंड ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी कारणवश कंज्यूम कर लिए पॉइजंस को या ड्रग्स को
ड्रग्स भी अपने आप में एक पॉइजन है, तो लीवर अपना मैक्सिमम कोशिश करती है इसको डिटॉक्सिफाई, यानी कि हमारे बॉडी से किस तरह से सेफ्टी निकल जाए, सेफली निकाल दिया जाए इसको, ताकि हमारे बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम देखने वाले हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। तो आओ अब हम बात करते हैं हमारा स्टोरेज यूनिट जो कि है गोल्जी ऑपरेटर्स, जिसका आविष्कार कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट ने किया था और उनके नाम पे गोल्जी ऑपरेटर्स रख दिया गया, जो कि एक फ्लैटेंड चिपता हुआ सैक्स यानी पाउच है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और वह एक के ऊपर एक यानी पैरेलल स्टैक किया हुआ रहता है, जिसको हम सिस्टर्न कहते हैं। इसका फंक्शन स्टोरेज करना है, मॉडिफिकेशन करना है प्रोडक्ट को अगर आवश्यकता पड़े तो, एंड पैकेजिंग कैसा फ्लैटेंड वेसिकल्स यानी पाउच के धंका होती है, और यह डिस्पैच भी करती है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल जहां आवश्यकता है, और किसी किसी केस में यह कॉम्प्लेक्स शुगर को जो है सिंपल शुगर में बनाने का काम करती है। और इसका काम एक और है जो RER यानी कि रॉस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ करती है, वो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो ये बहुत आवश्यक है। तो अब बात करते हैं लाइसोसोम्स। जैसा कि तुम जानते हो यह वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल के लिए, तो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट किधर से आता है? वेस्ट मेनली हमारा जो सेल है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डेड हो जाते हैं। दूसरा बात, जब हम किसी कारणवश हर्ट होते हैं, हमको चोट पहुंचती है, तो उस केस में भी सेल का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो सेल जो डैमेज हो गए या डेड हो गए वो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में लाइसोसोम्स का एक फंक्शन है कि उस सेल को डिस्पोज ऑफ करे, और ऑफ कोर्स उसके बदले में दूसरी सेल बनती है, वो हम देखेंगे बाद में वो कैसे कर सकता है। तो लाइसोसोम्स के अपने आप में एक सैक है जिसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो जो ही कोई सेल डेड हुआ या हॉट हो गया और वह मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम वहां जाता है, अपने आप को ब्रस्ट करता है और उसका एंजाइम उसको तुरंत डाइजेस्ट कर देता है और उसका वेस्ट कंप्लीट खत्म हो जाता है। इसीलिए तो हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए हमारे सेल के अंदर। तो जैसा कि हम और तुम जानते हो पावर हम सबों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बगैर तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। तो हमारे बॉडी को भी पावर की कितनी आवश्यकता है, माइक्रो फ्रैक्शन सेकेंड के लिए पावर नहीं तो हमारा बॉडी सेस हो जाएगी, डाई हो जाएगा। ये काम कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनल हमारे सेल के लिए, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हम दौड़ते हैं, बात कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, कूदते रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा बायोकेमिकल एक्शन रिएक्शन होते रहते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है, सबको तो पावर ही चाहिए होता है। तो ये पावर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे सिंथेसाइज करता है उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखो बच्चों, हमारा जो एब्जॉर्ब मटेरियल ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आती है, और जब ऑक्सीजन हम जो रिस्पायर करते हैं वो भी सेल अपने अंदर लेती है, और ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर सिंथेसाइज होती है
और एंड प्रोडक्ट के रूप में एटीपी एनर्जी निकलता है और साथ में वेस्ट ऑफ कोर्स CO2 एंड वाटर भी निकल जाता है। और ये एटीपी हमारा स्टोर होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में इंपॉर्टेंट है, उसमें डबल लेयर का कवरिंग होता है, टॉप लेयर जो होता है पोरस होता है ऑफ कोर्स मटेरियल को इन एंड आउट करने के लिए, और उसके नीचे वाला लेयर फोल्डेड होता है जिसके ऊपर हमारा एटीपी स्टोर हो जाता है। ये गजब की बात है, हमारे अंदर हमारे साइंटिस्ट ने अभी तक कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं किया है जिससे कि हम एनर्जी को स्टोर कर सके, लेकिन हमारा ये ह्यूमन जो साइंटिस्ट है उसने एनर्जी को स्टोर करने का भी टेक्निक इसके पास है, वो बहुत आवश्यक है। इसलिए तो कहते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एटीपी है। क्यों भाई? कि जब हमारे पास करेंसी होता है तो हम बाहर जाके जब मर्जी जो मर्जी सामान खरीद लेते हैं, तो हमारे बॉडी को जब भी आवश्यक हो माइटोकॉन्ड्रिया उसको स्टोर करके रखती है इन एडवांस कि भाई तुम यूटिलाइज कर सके, नहीं तो बॉडी का माइक्रोसेकेंड भी रहना मुश्किल है। तो ये चीजें हैं। तो अपने आप में माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ढंग का ऑर्गेनल्स है। कैसे? कि इसका खुद का डीएनए होता है एंड रिबोसोम्स होता है, और दूसरा ये खुद का प्रोटीन अपना मैन्युफैक्चर करती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दूसरे पर डिपेंड रहना नहीं चाहती है, क्योंकि पावर तो इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है तो फिर इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो चलो हम आगे देखते हैं एक प्लांट ऑर्गेनल्स के बारे में जो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब आप देखो आपके सामने एक प्लांट सेल है जिसमें जितने भी हम ऊपर ऑर्गेनल्स की बात किए हैं वो सब तो है ही इसके साथ, और कुछ एडिशनल ऑर्गेनल्स जो दिख रहे हैं उसका पहला है प्लास्टिड्स। ये तो प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह है इसको भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का मैन्युफैक्चर करती है। तो प्लास्टिड्स दो ढंग के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होता है, दूसरा लिथोप्लास्ट जो व्हाइट या कलरलेस्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट का जो पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करती है रखती है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, राइट। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट के ऊपर वेरियस येलो या ऑरेंज भी पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग कलर का प्लांट दिखती है, ऑफ कोर्स वो भी थोड़ा सा हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। वैसे तो ग्रीन ही चाहिए होता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तुम जानते हो ये सब। अब रही बात दूसरा टाइप का लिथोप्लास्ट, ये जो है मेनली स्टोर करती है स्टार्च आयरन एंड प्रोटीन ग्रेनुल्स को, जो कि आवश्यक होता है प्लांट को अपने क्रियाकलाप को करने के लिए, बहुत आवश्यक है प्लांट के लिए प्लास्टिड्स। तो ये इतना आवश्यक है कि ये खुद का अपना डीएनए एंड रिबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया खुद का बनाती है। अब आगे हम बात करने वाले हैं वैकुल्स, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है हमारा प्लांट का माइक्रो ऑर्गेनल्स। ये मेनली स्टोरेज का काम करती है, छोटे छोटे सैक्स के रूप में सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को रखती है। एनिमल को इतना स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है, प्लांट को बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस चाहिए, क्योंकि उसको जो है फूड का सिंथेसाइज जो खुद के लिए यूज करती है वो भी करना पड़ता है, एनिमल को ऐसा नहीं करना पड़ता है, राइट। तो ये एनिमल में बहुत छोटे हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट में बहुत बड़े वैक्यूम्स होते हैं, उनको स्टोरेज की आवश्यकता बहुत चाहिए होता है। लेकिन इसका दूसरा भी उपयोग है कि यह प्लांट को टर्जिडिटी यानी रिजिडिटी प्रदान करती है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है इसके लाइफ
और प्लांट सेल के लाइफ के लिए, जो कि स्टोर करती है एमिनो एसिड, सुगर्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स आल्सो, राइट। इन सिंगल सेल्ड एनिमल्स लाइक अमीबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम्स के अंदर वो बहुत सारा काम करती है, वो उसके अंदर फूड को लाती भी है, डाइजेस्ट भी करती है, वेस्ट मटेरियल भी आता है और उसको डिस्पोज ऑफ भी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने देख लिया कि भाई एक सेल ही हमारे बॉडी के लिए हर फंक्शन को अंजाम देती है, कैसे उसका ऑर्गेनल से। तो अगर हम ऐसा कहे कि भाई सेल हमारा जो है फंडामेंटल है और बेसिक है, तो इसमें किसी ढंग से कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। क्यों? ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे। द सेल्स दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म functions like respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material or forming new protein. Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organisms and it is also called basic units of life. क्योंकि इसके साथ जो organelles हैं इतना सारा function करते हैं, और nucleus है जो सबका फंक्शन को एडमिनिस्टर करती रहती है, इसके कारण हमारा सेल फंडामेंटल के साथ साथ बेसिक यूनिट भी है। अब आगे बात कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेल डिवीजन। अब जाइगोट जब हुआ फॉर्म, वो सिंगल सेल था, फंक्शनल था, फंडामेंटल था और बेसिक था, राइट। अब जाइगोट एक से दो हुए, मल्टीप्लाई किए, रिप्रोडक्शन किए, सेम अपने जैसा दो बनाते हैं, ठीक है। अब दो से चार होंगे, चार से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो इसको हम सेल डिविजन कहते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म में ये दो ढंग का होता है, राइट। एक होता है जिसको माइटोसिस कहते हैं, दूसरा को मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस जो हम बात किए, जनरल जो हमारा सेल डिवाइड होते हैं एक साथ, वो एक से दो बनाते हैं जो कि टोटली सिमिलर होते हैं। देख सकते हो एक सेल डिवाइड किए और दो बनाए, ये जनरली ऐसा होता है जो माइटोसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का काम करता है। सेल रिप्रोडक्शन एक सेल का काम है जो कि बॉडी को बड़ा करती जाती है, और अगर कभी सेल डाई हो गया जो कि होता रहता है, कभी डैमेज हो गया जो कि होता रहता है, उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए भी सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन होना आवश्यक है। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगी, तो वह काम होता है उसका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होता है जिसको तुम जानते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के नाम से। उसका सेल जब डिवाइड होता है, आवश्यकता होती है कब, जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम या कोई ऑर्गेनिज्म अंजाम देता है, तो वह सेल एक सेल से दो बनती है, ठीक है, जैसा नॉर्मल बनता है, और तुरंत दोनों सेल फिर से डिवाइड होते हैं, फोर सेल में बन जाते हैं। यानी कि एक सेल अल्टीमेटली फोर सेल बनाती है जिसको हम गैमेट्स कहते हैं। इसमें जो चीजें हैं कि भाई जो फोर सेल हुए उनके अंदर सिस्टर सेल या मदर सेल तुम कह सकते हो, उसमें जो क्रोमोजोम्स है उसकी संख्या की आधी होती है, और इस
प्रोसेस को, इस सेल डिवीजन को हम मियोसिस के नाम से जानते हैं, जैसा कि तुमको दिखाया जा रहा है वैसा। तो ये हम दो ढंग का सेल डिवीजन हमारे पास है। चलो, ये तो हुआ सेल डिवीजन। जो पहला सेल डिवीजन है माइटोसिस, ये तो ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि इसके अंदर एक गजब का विस्टम है जिसको हम सेल का डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। इस विस्टम को जब सेल बनते जाते हैं, एक से दो मल्टीप्लाई होते हैं, दो से चार, ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई होते होते ये जो हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, इसके अंदर 150 ट्रिलियन सेल का एक कॉलोनी हो जाता है ये मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसके बाद जो एक इसका अजब गजब का जो प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है, कई एक सेल आपस में मिल जाते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं जो स्पेशल फंक्शन को अंजाम देते हैं। वो कब होता है, जब बहुत सारा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेन्स को बनाते हैं और वो ऑर्गेन स्पेशल फंक्शन बॉडी के अंदर करता है जो एक ही होता है। जैसा कि तुम्हारा हार्ट हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लीवर हुआ 100 से ज्यादा एक्टिविटी को अंजाम देता है, कह नहीं सकते यहाँ पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन जिसका लंग्स कहते हैं वो तुम जानते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा वो तुम जानते हो, किडनी है वेस्ट डिस्पोजल का काम करती है वो जानते हो। तो जितने सारे ऑर्गन है वो सब मिल जाते हैं और एक फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म जो हम हैं और तुम को बना देते हैं। तो ये तो हुआ सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि माइटोसिस से होता है। जब हम अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को बनाने जाते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर ऑर्गेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन्वॉल्व होता है, तो वो उस ऑर्गेन का जब सेल डिवाइड होता है तो एक अलग ढंग से डिवाइड होते हैं। एक सेल चार सेल दे देते हैं और उस हर सेल के अंदर सिस्टर सेल का हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा ये क्लास कंप्लीट होता है और अब हम यहाँ पे इस क्लास को विराम देंगे, तुमसे अलविदा लेंगे और आशा करेंगे तुम अपना गुरु दक्षिणा दे ही दोगे अगर पसंद आया होगा तो। कैसे हम कितनी बार बता चुके हैं, तो अब तुम्हारा दिन शुभ हो, तुम मेहनत करते रहो, तुमसे हम अलविदा ले